हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। भगवान की कृपा से आप सारे स्वस्थ और मस्त रहें, यही मेरी दिल की कामना है। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। हेडिंग देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। जी हाँ, मैं अपनी रूम डेकोर कर रही हूँ अपने हस्बैंड को सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी देने के लिए। एक्चुअली मेरा जो एनिवर्सरी था वो 3 मार्च को था, तो ये जो तैयारी है 2 मार्च की है। रात को 12 बजे के बाद उनको मतलब रूम में एंट्री मिलेगी। कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया है कि वो 12 बजे के बाद ही रूम में आएंगे। आप लोगों से तो यूं ही मेरी बात चलती ही रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसी के बीच बीच में मैं आप लोगों से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी, बने रहिए मेरी वीडियो में। मैं हूँ टिकी और स्वागत है आपको अपने ही चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। मेरी बातें सुनते सुनते आप वीडियो के ऊपर भी ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ, उसके ऊपर भी कुछ टिप्स या ट्रिक्स मैं ज़रूर दूँगी। तो देखिए, जैसे कि मैं बेडशीट यहाँ पे बिछा रही हूँ, किस तरह से मैंने बिछाया अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं बता दे रही हूँ। मैंने चारों तरफ नॉट डाल के उसके बाद ड्राफ किया है बेडशीट को। इस तरह से आप बेडशीट बिछाएंगे तो सही मायने में आपका बेडशीट 3-4 दिन तक आराम से इधर उधर नहीं होगा, आराम से अच्छी तरह से रहेगा सेट होके। अगर बच्चे भी हैं, ज़्यादा उछल कूद करते हैं, तो भी आप दिन में एक बार अच्छे से थोड़ा हाथ लगा दीजिए, ये जैसे का तैसा रहने वाला है, बेडशीट ख़राब नहीं होगा। जैसे जनरली नॉर्मल तरीके से हम बेडशीट डालते हैं तो उसे बार बार हाथ लगा के सीधा करना पड़ता है, वो बार बार इधर उधर हो जाता है, तो झाड़ना पड़ता है, फिर से बिछाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, बहुत अच्छी रिजल्ट देगा ये। जैसे कि आप होटल वगैरह में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना टाइट होके बेडशीट रहता है, वो लोग भी यही ट्रिक्स को अपनाते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, मेरी बातें सुनते सुनते आप वीडियो की तरफ भी ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ। तो बेड के दोनों तरफ जो मच्छरदानी के 2 स्टैंड लगे हुए हैं, मैंने उसके ऊपर ही बैलून डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे भी मेरे पिछले वीडियो की तरह यहाँ पे भी मैं कोई सा भी वाल के ऊपर वर्क नहीं करूँगी, सेलो टेप वगैरह मैं कुछ भी नहीं चिपकाऊँगी वाल के ऊपर, जैसे कि वहाँ का कलर वगैरह छूटे तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो जो कुछ भी करूँगी इन 2 मच्छरदानी के स्टैंड के मदद से ही करूँगी, जो कुछ भी डेकोरेट करने वाली हूँ। हाँ, बट इतना ध्यान रखिए, इतना भार उसके ऊपर मत लादिए जो वो संभाल ना पाए, तो उसके हिसाब से ध्यान रख के डेकोरेट कीजिए। हाँ, बैलून्स वगैरह या बैनर्स वगैरह हल्का फुल्का होते हैं, थोड़े बहुत लाइट दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप कीजिए। मैंने यहाँ पे अपने डेकोरेट के लिए क्या क्या चीज़ लिया है वो आप तो देख ही सकते हो, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। देखिए, दोनों तरफ तो मैंने बैलून्स कुछ इस तरह से एक लाइन में लगा दिया है, चिपका दिया है। उसके बाद तो जो मोहब्बते वाला पत्ता आता है ना, वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो मोहब्बते वाला मूवी जो निकला था उसके बाद ये पत्ता मतलब फेमस हो गया, तो वो वाला पत्ता प्लास्टिक का पत्ता है तो मेरे पास था, तो मैं इस तरह से यूज़ कर ली। और उसके बाद उसके ऊपर ही मैंने कुछ लाइट्स दे दिए हैं और ये बैनर्स भी लगा दिए हैं। इतने से स्पेस में मुझे डेकोर करना पड़ रहा है तो 1-2 बैलून्स मुझे निकालने पड़े, तो मैं निकाल दी। आप अपने एरिया अपना स्पेस देख के आप अच्छे से डेकोर कर सकते हो और बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैं बेड के ऊपर कुछ पहले से बना हुआ डेकोरेटिव आइटम रख ली और जो छोटे छोटे गिफ्ट्स लाई थी मैं उनके लिए, एक छोटा बुके भी लाई थी, तो वो सब भी रख ली। गिफ्ट तो छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं होते मेरे हिसाब से, बस प्यार से दो कुछ भी और वो प्यार से अपनाए, यही बड़ी बात है। तो उनको तो बहुत पसंद आया मेरा ये सब सरप्राइज़ गिफ्ट और ये सब डेकोरेशन। चलिए, आप लोगों को अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं वाटर कैंडल लगाने वाली थी लेकिन घर में बच्चे होते हैं तो कुछ उस वजह से मैं लगा नहीं पाई। आप यहाँ पर टेबल लैम्प भी रख सकते हो, वाटर कैंडल भी लगा सकते हो। ओके देन, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू।